press the bell icon for all updates. यार सच्ची बताओ, मैंने अपनी बर्थडे के लिए कोई प्लानिंग नहीं की है. मेरे दिमाग में सच्ची कुछ भी नहीं है कि मैं क्या करने वाली हूँ, कैसे ब्रिंग इन करने वाली हूँ, कैसे सेलिब्रेट करने वाली हूँ. आई हैव रियली नो आइडिया एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट. मुझे प्लानिंग करनी भी नहीं है. लेट्स सी हाउ इट गोज विद द फ्लो एंड या आई डोंट नो. But yeah, like every year, I'm very excited for my birthday. Okay, birthday rituals की बात करें तो क्या कुछ करती हो birthday के लिए? Usually मैं हमेशा अहमदाबाद में जाती हूँ, but इस बारी मैं नहीं जा रही हूँ because मेरे भाई, मैं जब भी वहाँ जाती हूँ मेरा भाई मेरी वजह से पढ़ता नहीं है और उसके बोर्ड एग्जाम्स है. सो दैट्स द रीज़न आई एम गोइंग टू स्किप दिस दिस ईयर. मैं नहीं जाने वाली हूँ तो. बट या बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं क्या करूँगी अपने बर्थडे के दिन. मुझे सिद्धिविनायक जाना है सुबह, सो आई गो देयर एंड आई प्रे एंड देन आई सी. आई थिंक इट्स मे बी गोइंग टू बी विद द फ्रेंड्स और या आई थिंक वैसे ही कुछ होगा. प्यारा सा सिंपल सा. मुझे वैसे भी कुछ बहुत ज़्यादा शोर शराबा और वैसा कुछ पसंद नहीं आता. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी होमली, वेरी वेरी मच विद द फ्रेंड्स एंड या. First thing that comes to your mind when you say birthday? I think celebration or happiness. Okay. Any special birthday memory? सारे birthday memories बहुत अच्छी होती है और every year यार I really you know हर कोई एक सवाल मुझसे ज़रूर पूछता है ऐसी कौन सी special birthday memory है. Every birthday has been special in its own way. So इस बार ही आई डोंट वॉन्ट टू स्पेसिफाई एनी वन पर्टिकुलर बर्थडे. एवरी बर्थडे हैज़ बीन डिफरेंट एंड सब अपने तरीके में बहुत स्पेशल रहे हैं. ओके, हु वाज़ द फर्स्ट पर्सन टू से हैप्पी बर्थडे दिस ईयर? हु यू वॉन्ट टू यू नो दिमाग में है जो सबसे पहले आपको बर्थडे विश करे? माय मॉम. या ओके. फर्स्ट बर्थडे मेमोरी? हाँ मुझे याद है. मतलब हम यूजुअली बहुत छोटे होते हैं तो हमारी बर्थडे मेमोरीज इतनी होती नहीं है. मतलब कि फ़र्स्ट बर्थडे वो सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहती है. बट एक बर्थडे मेमोरी है जो मुझे बहुत अच्छे से याद है. आई डोंट नो, आई वाज इन व्हाट फर्स्ट और सेकंड मे बी. हाँ, स्कूल में एक रिचुअल होता है, आप चॉकलेट्स ले जाते हो, बच्चों को बांटते हो या कंपास बॉक्स या बहुत सारी ऐसे. तो मेरी स्कूल में आई थिंक मेरी मम्मी ने लंच बॉक्सेस या यू नो कंपास बॉक्स, आई डोंट रिमेंबर दैट एग्जैक्टली, बट वो मैं सबके लिए ऐसे बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस भर के ले गई थी एंड सबको डिस्ट्रीब्यूट किए थे. एंड बर्थडे के दिन स्पेशली आपको अच्छा लंच बॉक्स मम्मी पैक करके देती है. सो हाँ, आई थिंक I remember that, but still it's very not that clear memory. Are you upset if someone forget your birthday? No, not at all. Because यार इट्स ह्यूमन माइंड होता है, आप चीज़ें भूल जाते हो. मैं भी भूल जाती हूँ कभी कभी. सो आई थिंक इट्स ओके. Have you ever forgotten your birthday any time or no. your close friend birthday? अपना बर्थडे तो ऑफ कोर्स नहीं भूली हूँ, बट हाँ अपने दोस्तों का ज़रूर भूल चुकी हूँ मैं. एंड आई फील रियली अशेम्ड, बट मैं हमेशा कहती हूँ मेरी मेमोरी इतनी लाइक आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ, तो मैं हमेशा भूल जाती हूँ. ओके, डू यू एवर लाई अबाउट योर एज? नो, व्हाई?
मुझे एक तो मुझे ना ये लॉजिक समझ में नहीं आता है व्हाई पीपल वांट टू यू नो हाइड देयर रियल एज एंड जस्ट आपको एक दो साल या चार साल कम करके आपको लोगों को बताना है व्हाई आई मीन सेंसलेस. बेस्ट गिफ्ट एवर रिसीव्ड. बहुत सारे हैं यार बट बेस्ट गिफ्ट शायद मैं यही कह सकती हूँ कि मैंने अपने आप को एक रिंग दी थी वो मुझे बहुत पसंद आई सो आई स्टिल वेयर इट. या मैसेज मैं सारे फैंस को यही कहना चाहूँगी दैट लाइक एवरी ईयर दिस ईयर ऑल्सो आप लोगों ने बहुत बहुत स्पेशल बनाया है मेरे बर्थडे को. मैं हमेशा मतलब आप कितने महीनों से आपने मेरे बर्थडे काउंटडाउन शुरू किया आई रीड ऑल द ट्वीट्स मैसेजेस एंड ऑल द लवली यू नो मैसेजेस एंड एवरीथिंग दैट यू सेंड मी DMs एंड all those things so they're very very precious they're very very special for me and main dil se bahut appreciate karti hu sari cheezon ko for making my birthday pre birthday celebrations so so beautiful so thank you so much for all the lovely wishes all your blessings all your love and aap sabko meri taraf se mera birthday gift jaldi milega.